So now we will study how to create. So as we you know that we have shortlisted MySQL as a database. So MySQL, how it starts is, first you go to your start button. Are you all able to listen to me, guys? Yes, sir. मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? मैंने इस पे क्लिक किया है विंडोज विंडोज बटन पे और ऑप्शन खुले हैं, वो दिख रहा है? ये ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ ग्रे बॉक्स दिख रहा है। वो शेयर नहीं कर सकते अपन, तो उसमें क्लिक करने का, एंटर करने का वैम्प, WAMP, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो यू वॉच द रिकॉर्डिंग एंड क्लिक ऑन स्टार्ट वैम्प सर्वर। वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट वैम्प सर्वर ऑन योर टूल बार, इसको बोलते हैं टास्क बार, सॉरी, on the task bar you will see a W, it will turn from red to orange to green. Once it is green matlab it is started. So click kiya isme maine, yes, to yahan par ek W aayega, red ho gaya abhi, wo ab wo orange hua, ab wo green ho gaya, dikh raha hai idhar? So once that, I guess you can't see the task bar in share, to abhi wo green ho gaya hai. कैसे दिखेगा, कैसे शेयर करूंगा मैं टास्क बार? मेन स्क्रीन शेयर करो ना अभी आप। मेन स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं? हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। तो अभी ये एक बार ये हो गया ना, तो फिर ओपन करने का ब्राउजर, क्या ओपन करने का? ब्राउजर। अब ब्राउजर ओपन करके, आई यू एबल टू सी माय ब्राउजर? टाइप लोकल होस्ट एंड उसके एंड में पोर्ट, ये मेरा पोर्ट नंबर है 3999, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास 6th सेमेस्टर में अपाचे भी इंस्टॉल करना पड़ता है, दुनिया भर के मेरे पास वो है, सर्वर्स है, तो इसके लिए मैंने वैम का अलग से पोर्ट डेडिकेट किया था 3999, और स्लैश देने का php my admin, क्या देने का? और एंटर करने का, तो यू विल सी द डेटाबेस का फ्रंट पेज, द होम स्क्रीन ऑफ द डेटाबेस, दिख रहा? तो ये जो लेफ्ट में कॉलम है ना, इसे मेरे डेटाबेसेस है, तो दीज आर माय प्रोजेक्ट्स व्हिच आई मेक फॉर 6th सेमेस्टर, बिकॉज 6th सेमेस्टर यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट इन वैम, सो दीज आर माय प्रोजेक्ट्स, सो नाउ आई विल मेक अ न्यू डेटाबेस फॉर यू ऑल, दिख रहा है इधर? क्रिएट न्यू डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम दे रहा हूं मैं वेव वन, क्या दे रहा हूं नाम? और क्रिएट किया, तो दिख रहा है डेटाबेस बन गया वेव वन, और उसके बिसाइड, एंड व्हाट डज दिस जीरो मीन, व्हाट डज दिस जीरो मीन, यू सी अ जीरो, दिस जीरो मींस इसमें कितने टेबल्स है, ये जीरो का मतलब क्या? एक भी टेबल क्रिएट टेबल नहीं है ना, तो अभी इसके लिए दिख रहा है क्रिएट न्यू टेबल, तो उसमें तो हमने टेबल का नाम देंगे EMP, क्या देंगे टेबल का नाम? और कितने फील्ड्स रहेंगे उसमें? तीन, और गो पे क्लिक करेंगे, तो गो पे क्लिक करेंगे तो अपने आप वो टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, तो पहले फील्ड का नाम क्या है? हेलो, पहले फील्ड का नाम क्या है? ई नंबर, किस टाइप का है वो? साइज देना है क्या उसको? साइज 5, और प्राइमरी की देना है उसको, तो इंडेक्स में जाओ और क्या दो? प्राइमरी, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम क्या है? ई नेम, वो किस टाइप का है? कितना साइज? 10, और कुछ देना है क्या उसको? छोड़ दो, बाकी सब टाइम पास छोड़ दो, और तीसरा क्या देना है? सैलरी इंटीजर, कितना? 5, बस खलास, एंड नाउ देयर इज अ बटन कॉल्ड एज गो, उस पर क्लिक करने का, दिख रहा है नीचे बटन गो, दिख रहा है यहाँ पर गो बटन? उस पर क्लिक करो तो आपका टेबल क्रिएट हो गया।
क्या बोल रहा है ये। ओके क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन विच बटन टू क्रिएट द टेबल, विच बटन यू हैव टू क्लिक ऑन, तो क्लिक ऑन सेव एंड यू गेट द टेबल। डू यू सी ओवर हियर, वन दिख रहा है, वन मतलब और कौन सा टेबल है वो, उस पर क्लिक किया तो यहाँ आ गया टेबल दिख रहा है। ओके बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ एसक्यूएल, व्हाट वाज़ एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट अ टेबल, तो यहाँ दिख रहा है एसक्यूएल, तो वेव वन में जाओ, वेव वन में एसक्यूएल दिख रहा है, एसक्यूएल पे क्लिक करके यू कैन राइट अ टेबल कमांड ओवर हियर आल्सो। तो आई एम क्रिएटिंग वन मोर टेबल कॉल्ड एज डिपार्टमेंट, तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डी नंबर क्या है, इंटीजर ऑफ 5, प्राइमरी की, और डी नेम क्या है, वेयर केयर ऑफ 10, और लोकेशन क्या है, या सिटी, या सिटी बोलते हैं ना आप लोग उसको, सिटी क्या है, क्लोज क्लोज सेमी कोलन एंड क्लिक ऑन गो, क्लिक ऑन गो तो टेबल बन गया दिख रहा है। तो वॉट एवर सूट्स यू, आइदर यूज द ग्राफिकल मेथड और यूज द क्वेरी मेथड। अब मुझे इस एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मेरे पास भी दो ऑप्शन है, यू सी इंसर्ट ओवर हियर, तो क्लिक ऑन इंसर्ट एंड यू कैन एंटर द वैल्यूज, तो 101 एलिस 800, 102 बेन 900 एंड क्लिक ऑन गो, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। व्हेन यू गो टू एम्प्लॉय यू विल सी द टू रिकॉर्ड्स, डू यू सी हियर, और इफ यू वांट यू कैन इंसर्ट इट यूजिंग कमांड आल्सो, तो गो टू एसक्यूएल और क्या रहेगा, इंसर्ट इन टू ईएमपी वैल्यूज 103 ए बी हो गया ना, अभी सी चाहिए। अगर आपको चाहिए मल्टीपल यू कैन एंटर मल्टीपल ऑल्सो एक साथ, 103, 104, 105, चाल, ये डॉम का 11 और ये एरिक का 12, ठीक है, एंड क्लिक ऑन गो तो वो पांचों रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा अंदर, दिख रहा है। तो ये आपके आपके एक्सपर्टीज पे कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्लियर। अब मुझे इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है यूजिंग जीडीबीसी, क्या क्या करना है, इंसर्ट रिकॉर्ड 106 106 फ्रैंक और 1300, रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है 106 और 1300, फ्रैंक मेरे प्रिंसिपल का नाम था, ठीक है। तो अब ये कैसे इंसर्ट करेंगे बोलो, तो ये सिलेक्ट है क्या नॉन सिलेक्ट है, सिलेक्ट है क्या नॉन सिलेक्ट है, नॉन सिलेक्ट, ये सब सिलेक्ट है, ये 106 फ्रैंक 1300 सिलेक्ट है क्या नॉन सिलेक्ट है, नॉन सिलेक्ट, नॉन सिलेक्ट है, राइट, सो वेरी गुड। स्टैटिक है कि डायनामिक है, स्टैटिक कैसे है भाई, ईशा पारेख मैन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन यार, ईशा पारेख यू नॉट पेइंग अटेंशन, स्टैटिक कैसे ईशा पारेख, तो स्टैटिक कैसे है, व्हाट मैन यू नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल, स्टैटिक कैसे है, हाँ तो कॉन्फिडेंटली बोलना फिर ऐसा,
माई टास्क इज टू कंफ्यूज यू एंड ट्रिक यू. तो यू हैव टू बी फर्म ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. वैल्यूज पता है ना यू प्रोग्रामर को क्या इंसर्ट करना है पहले से ही. तो ये स्टैटिक हो गया ना. तो मैंने जैसे तेरे को पूछा तो यू लाइक कंफ्यूज. अरे इंटरव्यू देना है अभी अगले 6 महीने के अंदर. इंटरव्यूअर से मत कोई मर्सी क्यों. डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी फ्रॉम द इंटरव्यूअर. ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू कंफ्यूज यू. यू हैव टू बी योर फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू शुड नॉट चेंज योर आंसर्स विद इन सेकेंड्स. अरे हाँ नहीं सर डायनेमिक. नहीं नहीं स्टैटिक ना डायनेमिक. तो फिर वो समझेगा कि ये बंदी. हाँ तो यू शुड हैव तुमने कॉन्फिडेंटली उस पे स्टक टू दैट आंसर. यू आर साइलेंट. कुछ बोला नहीं तो ये बोला नहीं तो भी रिमार्क है. ये बोलना नहीं भी रिमार्क है. नेगेटिव रिमार्क है तुम्हारे उसमें इंटरव्यू में कि इंटरव्यू के कंफ्यूज करने पर तुम कंफ्यूज होना शुरू हो गए. चलो तो एक प्रोग्राम लिखते हैं इसका. तो आई जस्ट टेक अ सैंपल प्रोग्राम फॉर माई whatever data I have. तो भाई देखो ये वो प्रोग्राम है. ये वो प्रोग्राम है. तो सबसे पहले पैकेजेस क्या लगने वाले हैं मुझे. Java.sql.star. Will I be using util? Tell me. Will I be using scanner? क्यों नहीं? क्योंकि हम खुद ये भी कर रहे ना. हाँ, very good, beautiful, very good. और हम कर रहे हैं insert statement. क्या कर रहे हैं? तो एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास इंसर्ट स्टेटमेंट उसमें मेन डाल दिया. और डेटाबेस कनेक्टिविटी हमेशा एक्सेप्शंस थ्रो करता है. एक्सेप्शंस का रूल याद रखो गाइस. जब भी अपने मेन प्रोग्राम से हम बाहर वेंचर आउट करते हैं ना कोई डेटाबेस में या कोई फाइल में. हेलो डेटाबेस हो या कोई फाइल हो जब भी हम अपने प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं और डेटा कहीं और से लेने की कोशिश करते हैं बाहर से डेटाबेस टेबल से या फाइल से एक्सेप्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्या बढ़ जाते हैं? तो अभी डेटाबेस के अंदर एक्सेप्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे? डेटाबेस कनेक्टिविटी में एक्सेप्शंस के चांसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? तो इसके लिए हमेशा क्या कर दो थ्रोज एक्सेप्शंस कर दो. क्या कर दो? ओके ये मेरा स्ट्रिंग क्वेरी है. बिकॉज़ आई विल बी राइटिंग अ क्वेरी. व्हाट इज माय क्वेरी? इंसर्ट इनटू. तो उसके अलावा स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया और ये कनेक्शन वेरिएबल ले लिया. और अब बताओ स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट लू क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट लू मैं? आप बोलो स्टेटमेंट का लू क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का लू? स्टेटमेंट का लू क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का लू? हाँ हेलो. हाँ स्टेटमेंट का क्यों? क्योंकि क्योंकि क्वेरी स्टैटिक नेचर की है ना. स्टैटिक है इसके लिए. हाँ इसके लिए किसका लिया मैंने ऑब्जेक्ट इधर? स्टेटमेंट का. स्टेटमेंट का लिया. दिख रहा है?
सो सो मेरा क्वेरी अभी जो है 106 फ्रैंक और 1300 वो किस टाइप का है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? तो स्टैटिक स्टैटिक के लिए हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट इसके लिए मैंने इधर किसका रेफरेंस लिया है, तो ये तीन समझ में आए, ये तीन समझ में आए। क्वेरी किस क्वेरी क्वेरी के लिए, कनेक्शन कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, और स्टेटमेंट स्टेटमेंट के लिए, समझ में आया? नाउ आई एम यूजिंग माय माय डेट, आई विल यूज माय, मेरा जो है वो माय एसक्यूएल है, क्या है? तो माय एसक्यूएल का आई विल यूज द ड्राइवर। ड्राइवर आई विल यूज द ड्राइवर ऑफ माई एसक्यूएल। सो दिस इज माई सो दिस इज माई माई एसक्यूएल का ड्राइवर, समझो इसको। तो माई एसक्यूएल का ड्राइवर ये है, कौन सा ड्राइवर है माई एसक्यूएल का? हाँ तो ये हो गया स्टेप थ्री। चौथा मेक अ कनेक्शन, तो कनेक्शन के लिए माई एसक्यूएल के लिए ये स्ट्रिंग याद करना है अपने को, JDBC माई एसक्यूएल लोकल होस्ट, और मेरा क्या था 3999 ना? नहीं, पर ये है तुम्हारे उसका माई एसक्यूएल का। एंड व्हाट वाज आर डेटाबेस नेम? डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या था? और ये उसका यूजर है, ये उसका पासवर्ड है, ये फिक्स रहेगा। तो दिस लाइन इज लर्न बाय हार्ट, दिस लाइन, दीज टू लाइन्स आर लर्न बाय हार्ट, ठीक है? अब बस वो चेंज करना पड़ेगा बस। और फिर अभी क्या करना है, ये जो है ना स्टेटमेंट, इसका आपने बनाया कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। नाउ व्हाट व्हाट विल बी द क्वेरी, टेल मी नाउ व्हाट विल बी द क्वेरी। है क्या? नहीं तो स्टेटमेंट में पहले हमने क्या बनाया, उसका स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, और फिर बनाई क्वेरी, है क्या? नहीं, स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट में पहले, तो इधर पहले मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया फिर क्वेरी बनाया। अब इसकी ये क्वेरी किस टाइप की है, सिलेक्ट या नॉन सिलेक्ट? क्वेरी किस टाइप की है, नॉन तो क्या यूज करूं, एग्जीक्यूट अपडेट या एग्जीक्यूट क्वेरी? एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट और इससे कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे? एक। तो एसटी से करने का एग्जीक्यूट अपडेट, एंड विच क्वेरी एम आई फायरिंग, आई एम फायरिंग दिस क्वेरी, एंड इट विल इंसर्ट, फिर एन में क्या जाएगा, एन में, एन में जाएगा कि कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। तो एन में अगर वन गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, और जेड जेड आया मतलब आउटपुट, अगर आउटपुट आया जेड 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 मतलब क्या इंसर्ट नहीं हुआ, है ना? बस, और फिर एसटी को क्लोज कर देंगे, क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द एसटी, क्लोज द कनेक्शन, खत्म। रन करना है इसको, तो हाउ विल यू सेव इट एज, इंसर्ट स्टेटमेंट। तो आई गो हियर माय कंप्यूटर
where I have saved yours. और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे. डॉट जावा. Now let's compile this. दिख रहा है? कंपाइल हुआ? हेलो. लेट्स रन दिस. तो क्या आया? सक्सेसफुली इंसर्टेड. नाउ लेट्स क्रॉस चेक. लेट्स गो टू द डेटाबेस. लेट्स गो टू द डेटाबेस. तो अभी कितने कितने रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं अभी, बोलो? पांच. रिफ्रेश करूं? यस. रिफ्रेश किया, अब कितने दिख रहे हैं? तो ऐसे करना है अपने को, समझा? तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था रिकॉर्ड इंसर्ट करने का. चलो अभी फ्रैंक की सैलरी कितनी है? 1300. मुझे उसको करना है, मुझे उसको करना है 2600. क्या करना है? 2600. एम्प्लॉय नंबर 106 की सैलरी कर दो 2600. तो क्वेरी स्टैटिक है या डायनेमिक है, और सिलेक्ट है या नॉन सिलेक्ट है? क्योंकि मुझे पहले से मालूम है ना. वेरी गुड. तो अभी क्या करूंगा मैं? अपडेट स्टेटमेंट. ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ क्वेरी बदलेगी. अभी क्या क्वेरी रहेगी? अपडेट ईएमपी सेट सैल इक्वल्स टू 2600 वेयर ई नंबर इक्वल्स टू. कितने रिकॉर्ड अपडेट होंगे इससे? एक. तो अगर एन में वन गया मतलब अपडेटेड. एल जेड 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 जेड. ठीक है, बस. तो एक प्रोग्राम हो गया ना आपका, बाकी सब प्रोग्राम सेम ही होते हैं इसके अंदर, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बारी है बस. सेव किया इसको. लेट्स कंपाइल इट. आई यू एबल टू सी द ब्लू स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन? अभी अपडेट कंपाइल हो गया. रन करते हैं. क्या लिख के आया? सक्सेसफुली अपडेटेड. गो एंड चेक इट. क्रॉस चेक कर लो. सैलरी कितना दिखा रहा है अभी? 1300. रिफ्रेश किया तो कितना हो गया? 2600. ओके, चार्ल्स का रिकॉर्ड डिलीट करना है. चार्ल्स का रिकॉर्ड डिलीट करना है. किसका? ओके, नाउ लेट्स. डू यू ऑल वांट मी टू डू डायनेमिक आल्सो नाउ? है तुम्हें इतना स्टैमिना है कि डायनेमिक करने का? डायनेमिक कल करेंगे. क्या? हाँ सर, नॉन से दो घंटे से तो बैठे हम. नहीं सर, अभी कल करेंगे. अभी इसी में डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट क्वेरी कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? इंसर्ट किया, अपडेट किया ना, अब डिलीट भी करता हूँ. तो चार्ल्स का रिकॉर्ड डिलीट करना है. चार्ल्स का 103 का. किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है? एम्प्लॉय नंबर 103 का रिकॉर्ड डिलीट करना है. कौन से एम्प्लॉय का? 103 का. तो ये क्या था? डिलीट. बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ क्वेरी बदलेगी. आपको अभी आपको क्वेरी बदलने आना चाहिए आपको. डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इक्वल्स टू 103 एंड सक्सेसफुली डिलीटेड. ठीक है, लेट्स सेव दिस एंड रन दिस. सो कंपाइल कर रहा हूं मैं. कंपाइल हुआ?
एंटर क्या आया सक्सेसफुली नाउ कम हियर रिकॉर्ड दिख रहा है चार्ल्स का रिफ्रेश किया अभी दिख रहा है क्या तो ऐसे हमको प्रोग्रामिंग करना है JDBC का ये प्रोग्राम देख लो मैं मेल भी कर दूंगा सारे प्रोग्राम्स को तो आप ये आपका डेटाबेस बदलेगा ना तो सिर्फ लाइन नंबर 12 13 बदलेगा तो अगर आपके कॉलेज में एक्सेस यूज कर रहे हैं एक्सेस तो एक्सेस का ड्राइवर लो और एक्सेस का कनेक्शन का स्ट्रिंग लो बस बात खत्म बाकी सब कुछ सेम रहेगा सबका सेम सबका सेम होता है यस